pictures. Day 5, day 6 ये सब कंबाइन है. Day 5 को मैं कोई ब्लॉग नहीं किया क्योंकि आया हुआ इसमें फैमिली टाइम था, तो सब रिलेटिव्स को मिलना था सप्ताह. तो फिर मेरा भी घर मम्मी और बहन इन लोग आ रहे थे तो उनको पिकअप था, तो जिसकी वजह से मैंने व्लॉग नहीं किया. तो Day 5 का व्लॉग नहीं है, ये Day 5 और 6 एक साथ है. आज 6 हमारा स्टार्ट हो रहा है अभी 4:30 हम लोग निकले एलएपी बीच के तरफ. बीच में थोड़ा बारिश हुआ, उसका ग्लिम्स मैं अभी ऐड करता हूँ. अभी बीच से 3 किलोमीटर दूर है, आप पहुँच जाएंगे बीच पे. उसके बाद बीच पे कुछ फूड खाना है, स्नैक्स करना है. तो सीधी बात है, स्नैक्स का तो फूड ब्लॉग थोड़ा तो आएगा और एंजॉय करते. आज गाड़ी में बहुत सारे लोग हैं, मेरा बहन का बेटा और बेटी है और कज़िन बहन का बेटी भी है. तो अच्छा, आज साउंड क्वालिटी कैसा लग रहा है ज़रा कमेंट में बताना. नया माइक लिया हुआ है, पहले वाला माइक का कंप्लेंट था थोड़ा कि नॉइस कम है करके, तो मेरा उसमें मेरे पास एक दूसरा माइक था वही यूज़ कर रहा था. बट अभी मैंने माइक अपग्रेड किया, बहुत जल्दी अपग्रेड किया. एक्चुअली काफ़ी पहले प्लान था लेकिन नहीं हुआ. अभी इधर आने के बाद मैंने फिर यहाँ पे मंगवा दिया. अच्छा, उसका ट्रायल भी है, कैसा लग रहा है बताना ज़रा कमेंट में. क्योंकि ओपन एयर में जब भी मैं बात कर रहा था तो कहीं पे रेस्टोरेंट पे या कुछ बैठ के तो आवाज़ नहीं आ रहा था, वो एक कंप्लेंट था. तो वो सॉल्व करने के लिए माइक लिया हुआ है. चलो एंजॉय करते, व्यू करो, बीच देखो, फूड ब्लॉग्स रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, बस छोटा छोटा व्लॉग रहेगा. अभी आने वाले 6-7 दिन छोटा छोटा व्लॉग रहेगा. जहाँ पे ट्रैवलिंग करूँगा वहाँ पे व्लॉग करूँगा. पहुँच गए एलपी बीच पे. पहला अभी कुछ स्नैक्स करना पड़ेगा, भूख लगा हुआ है, दोपहर को खाना नहीं खाया हम लोग. तो अब देखते कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करेंगे. बाहर काफी कैफे कर गए, कभी मत आना. डोसा का ऑर्डर होने के लिए कम से कम बस भाई काफी पैसा ले ले. ये जो होटल दिख रहा है पीछे, इसका बात कर रहा हूँ. कभी नहीं आना. इनको डोसा बनाने, 6 डोसा बनाने के लिए आधा के से पौना घंटा लगा. एंड उत्तपा का ऑर्डर दिया था तो कच्चा आया, लिटरली बकवास है, कोई मतलब नहीं, आना नहीं. इसके लिए फूड रिव्यू किया ही नहीं मैं यहाँ. अब एलपी बीच के पास में है तो यहाँ पे अपना यहाँ पे ओनियन भजी सब मिलता है जो केरला स्टाइल होता है. और ये होता है अपना मैंगो को सब सॉल्ट में डाला हुआ रहता है, वो अभी ट्राई कर. अब आपको मेरे पीछे जो दिख रहा है वो है एलपी बीच. अगर डार्क कर पाऊँ, हाँ, ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये है एलपी बीच. और अभी हम लोग स्नैक्स हो गया, अब हम लोग जा रहे बीच के तरफ. मोटिव तो बीच पे उतरना नहीं है, मोटिव है स्नैक्स करना. अब मैं गोप्रो पे नहीं, अब मैं अपना मिररलेस पे शूट कर रहा हूँ. क्वालिटी डिफरेंस आएगा क्योंकि इवनिंग टाइम है, लाइट कम रहेगा, तो इसके लिए कैमरा स्विच किया मैंने. और हो सके तो थोड़ा फ़ोटो शूट भी करूँगा. अभी फैमिली है पूरा, तो फैमिली के टाइम साथ है तो थोड़ा फोटोज़ भी होगा, तो इसलिए मैंने मेरा पूरा कैमरा किट लिया हुआ है. चलो एंजॉय करते व्यू. स्किन
मीठा नमक पानी में डाला हुआ आम खाया, अब बाकी लोगों को दिखाना चाहते हैं, दिखाओ ना। कैलिकट बीच यहाँ पे मैं लास्ट टाइम भी आया था मेरे फ्रेंड्स के साथ में, दोस्त के शादी में आया था तभी। बट बीच ऑलमोस्ट क्लीन है, क्लीन नहीं है ऑलमोस्ट क्लीन है, और मज़ा आता है यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रीट फूड के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे स्ट्रीट फूड्स का काउंटर बहुत सारा कम है और हाइटाइड जैसा फील है यहाँ पे, पानी काफ़ी भरा हुआ है। आलापुरा बीच पे है अभी, फोटोज़ हो गया, थोड़ा बहुत डार्क हो गया, लेकिन अभी फटाफट निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अंधेरा हो गया है पूरा, ज़्यादा टाइम नहीं है अभी, तो अभी निकल जाते। कॉलीफ्लावर का भजी है, ना मोटा भजी है, भजी है ना मोटे है और कप्पा है, बड़क भजी भी है, आंवला नमक में डाला हुआ, नमक पानी वाला। दम दे खजूर ये पता नहीं है क्या है, ग्लोवच्चा ले उधर ले ले। पाइनएप्पल भी नमक में डाला हुआ है। रेड वाला एक लेके रखता लेगा ना, ले रहा है ना, ऑर्डर दिया, वो देख ना उधर आया ना, दो आया, रेड वाला आया वो ना, वो खाया मैं खाया, लेके देख तेरे को अच्छा लगेगा, पूरी है मस्त चीज है खाना, क्या खा लिया है सब कुछ, अब यहाँ से निकल लेगा घर जाने का, और कुछ नहीं है आज का दिन, इतना ही है, बहुत छोटा सा व्लॉग रहेगा ये, डे 5 और 6 का व्लॉग यहाँ पे समाप्त होता है आज। हम लोग आलेपी बीच गए थे, वहाँ पे जाने के बाद एक होटल में मसाला डोसा सब खाया जो बहुत बकवास था, और उसके बाद में भजी खाया, कांदा भजी खाया जो यहाँ का स्टाइल में होता है, फिर बहुत सारा स्नैक्स आइटम किया, वो सब आपने ये ब्लॉग में अभी देख लिया। ये सब होने के बाद आज हम लोग वापस घर पहुँचे, और एक जगह जाने का प्लान था लेकिन जा नहीं पाया, तो आज का ये ब्लॉग यहाँ पर एंड होता है। मैं मेरा आंटी के घर पे पहुंच गया है, ये गाड़ी मेरा उधर पड़ा है, और कल कुछ इंटरेस्टिंग सा आएगा ऐसा एक्सपेक्ट करते, अगर हमारा सब प्लान के हिसाब से चले तो कल एक जगह जाने वाला है, अगर गया तो वो एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एक्सप्लोरिंग फॉर द पीस, ये चैनल पे आने के लिए आपका सबका धन्यवाद।